बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम स्टूडेंट्स, दिस इज़ द अपडेट, द रीसेंट अपडेट फ्रॉम द कैम्ब्रिज, 27 मई 2021 है। आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन दिस अपडेट टू यू। आपको पहले ही पता है कि प्रीवियसली द मई जून एग्ज़ाम सीरीज ऑफ 2021 दैट वॉज कैंसल्ड। द मिनिस्ट्री, द एजुकेशन मिनिस्ट्री डिनाइड द सैग्स एंड द टैग्स, स्कूल एसेस ग्रेड्स भी नहीं मिले, ऑप्शन नहीं चूज़ किया गया, ना ही टीचर एसएस ग्रेड्स को ऑप्ट किया गया, एंड द एग्ज़ाम्स वर पोस्टपोन टिल अक्टूबर नवंबर सीरीज। बट नाउ दिस इज़ द रीसेंट डेवलपमेंट और दिस इज़ द रीसेंट अपडेट अकॉर्डिंग टू विच अ मिनी एग्ज़ाम सीरीज़ विल बी हेल्ड फॉर दी स्टूडेंट्स हु वर टू अपेयर इन मे जून 2021। अब वो इस मिनी एग्ज़ाम सीरीज़ में अपेयर होंगे एंड द डेट हैज़ बीन मैंशनड। द डेट्स ऑफ दिस मिनी एग्ज़ाम सीरीज़ विल बी फ्रॉम 26 जुलाई 2021 टिल 6 अगस्त 2021। तो ये 10 डेज का एक है टाइम जिसमें ये होगा। तो दिस इज़ द रीज़न दे आर कॉलिंग इट मिनी एग्ज़ाम सीरीज, दिस इज़ द फर्स्ट रीज़न दे आर कॉलिंग इट मिनी एग्ज़ाम सीरीज बिकॉज 10 डेज में होगा ऑलमोस्ट। एंड सेकेंडली, ओनली दीज पेपर्स विल बी टेकन इन दीज एग्ज़ाम सीरीज फॉर ओ लेवल। एज यू कैन सी, ओनली दीज पेपर्स विल बी टेकन दिस मिनी एग्ज़ाम सीरीज, बाकी नहीं होंगे। सिमिलरली फॉर IGCSE, ओनली दीज एग्जाम पेपर्स विल बी टेकन इन दिस सीरीज। एक तो ये रीज़न है मिनी एग्जाम सीरीज। थर्डली, ओनली वन पेपर फॉर वन सब्जेक्ट विल बी टेकन। फॉर एग्जाम्पल, इफ केमिस्ट्री हैज़ 3 पेपर्स, 1, 2 and ATP, ओनली वन पेपर एंड दैट विल बी द MCQ पेपर। सिर्फ MCQ पेपर लिया जाएगा इन सारे सब्जेक्ट्स का, बिकॉज ये मिनी एग्जाम सीरीज, इट इज़ प्रैक्टिकली नॉट पॉसिबल कि 10 डेज में आप सारे पेपर। तो फर्स्ट थिंग इज़ दैट ओनली वन पेपर विल बी टेकन एंड दैट विल बी द MCQ पेपर। लेकिन जिन सब्जेक्ट्स में MCQs नहीं है, जैसे मैथमेटिक्स या इंग्लिश है, तो इन दैट केस अगेन मैथ्स के 2 पेपर होते हैं, इंग्लिश के 2 होते हैं, तो भी एक एक पेपर ही लिया जाएगा। अब वो कौन सा पेपर होगा, आइदर इट विल बी पेपर 1 और 2, दे विल डिसाइड एंड लेट अस नो इन द नेक्स्ट वीक। पता लग जाएगा, डेट शीट भी आ जाएगी इसकी और पता लग जाएगा कि विच पेपर इट विल बी। फॉर द रेस्ट इट विल बी MCQs। एक तो ये फॉर दीज सब्जेक्ट्स। सो दिस इज़ द रीज़न दे आर कॉलिंग इट मिनी एग्जाम सीरीज, बिकॉज ये 10 डेज में हो रही है और शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में हो रही है। ओनली फॉर दी स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स ये कैरी की जा रही है। एंड थर्डली, ओनली वन पेपर इज बींग टेकन, सो दिस इज़ अ मिनी एग्जाम सीरीज। उर्दू, इस्लामियात एंड पाक स्टडीज़ ये इसमें इंक्लूडेड नहीं है, राइट। सिमिलरली, कॉमर्स एंड एनवायरमेंटल मैनेजमेंट जो आप एडिशनल सब्जेक्ट्स देते हैं, दे आर नॉट इंक्लूडेड आइदर। वो सब्जेक्ट्स आप अक्टूबर नवंबर में ही अटैम्प्ट करेंगे, ठीक है। उसका रीज़न क्या है मैं बताता हूँ। अब ये मिनी एग्ज़ाम सीरीज़ करने का मकसद ये है कि स्टूडेंट्स का टाइम वेस्ट ना हो, क्योंकि अगर ये अक्टूबर नवंबर में ये पेपर देते ओ लेवल्स के, तो फिर उसके बाद अगर वो एडमिशन लेते इन ए लेवल, तो दे वुड हैव गॉट 1.5 ईयर टू कम्प्लीट ए लेवल, जो यूजुअली 2 ईयर्स में होता है। नाउ व्हाट विल हैपन, दे विल बी फ्री 6 अगस्त ऑनवर्ड, सेकेंड वीक में अगस्त के फ्री हो जाएंगे, सो दे कैन टेक एडमिशन इन ए लेवल। और फिर अगर 2021 अगस्त में ये स्टार्ट कर देते हैं ए लेवल, और 2023 मई जून में अपना ए लेवल कम्प्लीट करते हैं, सो दे विल बी गेटिंग 2 ईयर्स, 2 कम्प्लीट ईयर्स फॉर ए लेवल एग्जाम्स। सो दिस इज़ द रीज़न। अब जाहिर सी बात है, जिन्होंने पाकिस्तान स्टडीज़, उर्दू और इस्लामियात देना था, उन्होंने तो ए लेवल में एडमिशन नहीं लेना, बिकॉज दे स्टिल हैव टू कम्प्लीट ओ लेवल। सो दिस इज़ द रीज़न पाकिस्तान स्टडीज़, उर्दू एंड इस्लामियात आर नॉट इंक्लूडेड, क्योंकि पर्पज़ ये है स्टूडेंट्स का टाइम वेस्ट ना हो। सेम वॉज द केस इन ए लेवल, AS लेवल के उन्होंने एग्जाम्स नहीं लिए थे, बिकॉज AS लेवल स्टूडेंट्स वर नॉट टू टेक एडमिशन इन द यूनिवर्सिटीज, बट A लेवल स्टूडेंट्स वर टू टेक एडमिशन इन द यूनिवर्सिटीज़। तो इसीलिए A लेवल का उन्होंने एग्जाम कैरी कर लिया मई जून सीरीज़ में, ताकि उनका टाइम वेस्ट ना हो। AS को कहा आप अक्टूबर नवंबर में ही दें, बिकॉज दे कैन स्टिल फिनिश A लेवल इन टाइम एंड टेक एडमिशन विदाउट इन द यूनिवर्सिटीज़, विदाउट वेस्टेज ऑफ टाइम। एंड सेम इज़ द केस हियर कि द स्टूडेंट्स वर ओनली अपेयरिंग इन उर्दू, पाकिस्तान स्टडीज एंड इस्लामियात, they still have time to complete O level in time, because they will be appearing in the rest of this or these optional subjects in May-June 2022. तो उसके बाद वो आगे A level अपना carry करेंगे, the time will not be wasted. लेकिन यहाँ पर जो outgoing O level था या जो A level 2 students था, उनके time को save करने के लिए, wastage से बचाने के लिए उन्होंने ये exam series start कर दी, so that they get full time. For O level students, they get the complete 2 years for A level, and for A2 students, they get the admission in the universities without the wastage of time. So this is the reason behind it, that they are not carrying the Urdu, Islamiyat and Pakistan studies, kyunki unke paas abhi time hai. To ek cheez hai. Aur iske baad then there are some frequently asked questions. Acha, iske alawa ye hai ki you can still opt or do not opt for this mini exam series. Agar aap chahte hain ki nayi exam series mein aana,
तो आप अक्टूबर नवंबर में आप इसी सेम फ़ी में जो आपने मई जून में पे कर दी हुई है ऑलरेडी कैम्ब्रिज को, कैम्ब्रिज फ़ी की बात कर, उसी में ही आपको अक्टूबर नवंबर सीरीज़ में वो एग्ज़ाम्स आप दे सकते हैं इफ़ यू डोंट वांट टू गो फॉर दिस मिनी एग्ज़ाम सीरीज़। एक चीज़ तो ये, देन देर आर सम फ्रीक्वेंटली आस्क क्वेश्चन के वेदर देर विल बी न्यू पेपर्स, येस दे विल बी मेकिंग द न्यू पेपर्स, दे विल बी मेकिंग द न्यू पेपर्स एंड देन विल दीज ग्रेड्स विल बी रिकगनाइज बाई द यूनिवर्सिटीज़, येस दीज ग्रेड्स विल बी रिकगनाइज बाई द ग्रेड बाई द यूनिवर्सिटीज़, दे विल रिकगनाइज इट द सेम वे दैट दे रिकगनाइज द नॉर्मल ग्रेड्स एंड देन other frequently asked question is that what will happen with the subjects that are not included in this list, those subjects will be taken in October November series. वैसे भी कॉमर्स है, अगर आप आउट गोइंग ओ लेवल 3 स्टूडेंट्स हैं, कॉमर्स है, एनवायरमेंटल मैनेजमेंट है, वर्ल्ड हिस्ट्री है, सो दैट इज़ नॉट इंक्लूडेड, दैट इज़ नॉट रिक्वायर्ड फॉर टेकिंग एडमिशन इन ए लेवल एग्जाम्स, तो इसलिए उसको अक्टूबर नवंबर में शिफ्ट कर दिया उनके साथ, पाकिस्तान सरीद उर्दू इस्लामियात के साथ। एंड रिजल्ट, येस नॉर्मली द रिज़ल्ट इज़ रिलीज्ड ऑन फ्रॉम 10th August टू 15th August नॉर्मल सर्कमस्टांसिस में, लेकिन हेयर द एग्ज़ाम्स आर एंडिंग ऑन 6th August, सो डेफिनेटली द रिज़ल्ट डेट विल बी अनाउंसड लेटर, और ज़ाहिर है ये इतनी जल्दी तो नहीं बनेगा, तो इट विल बी द रिज़ल्ट विल बी रिलीज्ड आफ्टर द एंड ऑफ द एग्ज़ाम्स एंड दे विल टेल अस द डेट, बट मीनवाइल आफ्टर द एग्ज़ाम्स जैसे ही 6th August को एंड होंगे, यू कैन टेक एडमिशन इन ए लेवल, तो आपको ए लेवल के लिए कम्प्लीट 2 years अवेलेबल हो जाएंगे। नाउ माई रिकमेंडेशन इज़ दैट यू मस्ट गो फॉर दिस, यू मस्ट गो फॉर दिस बिकॉज दिस इज़ एन अपॉर्चुनिटी फॉर यू। आपने पहले ही यू हैव डन द पास्ट पेपर्स, यू हैव कम्प्लीटेड द सिलेबस एंड एवरी थिंग, यू आर ऑलरेडी प्रिपेयर्ड फॉर द एग्ज़ाम्स, ये तो आपको एक एक्स्ट्रा टाइम मिल गया, यू वुड हैव टेकन दीज एग्ज़ाम्स इफ द सर्कमस्टांसिस वर नॉर्मल, ठीक है, मई जून में आप दे चुके हो, एंड यू स्टिल हैव 2 months टू कवर इट, एंड ओनली यू ओनली हैव टू अपियर इन वन पेपर, MCQ में आपने अपेयर होना, so you can practice the MCQs paper in 2 months, like you can do different variants, you can do different boards, right, to usme aap bade easily isko cover kar sakte hain and you can prepare better, theek hai, for these exams, and this is an opportunity for the students to get a good grade in this mini exam series. ek to ye hoga ki ek to ye opportunity hai, first thing first that ye ke aapko ek paper dekar aap apna grade le lenge, and secondly it will save your time, मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, बिकॉज ए लेवल के लिए आपको कंप्लीट 2 years मिल जाएगा, ठीक है, और ए लेवल्स के सब्जेक्ट्स काफ़ी एडवांस होते हैं, यू नो, एंड यू नो यू नीड 2 years टू कंप्लीट ए लेवल, तो वो भी द सेकेंड थिंग, सो यू मस्ट गो फॉर दिस एंड स्टार्ट प्रिपेयरिंग फ्रॉम टुडे, यू स्टिल हैव 2 months, डू द MCQs, राइट, एंड रिमेंबर कि MCQs जो होता है, जो भी पेपर किसी भी सब्जेक्ट का, उसमें वो कंप्लीट सिलेबस होता है CIE का, यानी कि अगर केमिस्ट्री है तो उसमें MCQ में वो सारा सिलेबस कवर करेगा, चाहे वो थ्योरी का पेपर या ATP, सारा वो उस MCQ के पेपर में, एंड सेम इज़ द केस विद अदर सब्जेक्ट्स MCQs, उसमें सारा सिलेबस होता है, तो उसमें कंप्लीट सिलेबस होगा, यू जस्ट नीड टू प्रैक्टिस द MCQs, स्टिल हैव 2 months, दिस इज़ अ वेरी गुड ऑप्शन टू ऑप्ट, इट विल सेव योर टाइम एंड इट ऑल्सो गिव्स यू एन अपॉर्चुनिटी टू गेट अ गुड ग्रेड इन दिस सीरीज, राइट, सो दिस इज़ द अपडेट, थैंक यू।